सो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर का रूटीन बताओ आपको बहुत सारे एक्ने हो रहे थे जिसके मैंने लाइव फोटोज भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है लास्ट मंथ और इवन मैं स्टोरीज पे भी डाले थे कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं और अब आप देख सकते हो मुझे कोई एक्ने नहीं है मैंने जो स्किन केयर फॉलो किया है वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक सा स्किन केयर होगा mm. एक दो मेडिसिन भी डालूंगी और बाकी जो होगा सारा कॉस्मेटिक्स में मतलब थोड़ा बहुत ब्रांड्स का होगा बट ये पूरी वीडियो मेरे खुद के स्किन केयर पे बेस्ड होगी जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ठीक है जी सो so, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप लोग को बहुत एक्ने हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करूं स्पेशली इस विंटर्स में क्योंकि अगर आपको एक्ने है तो भी आपकी स्किन बहुत ड्राई और बहुत खिंची हुई लगती है तो उस केसेस में आपको जो है चाहिए है कोई स्किन केयर रूटीन जो आपकी स्किन को थोड़ा हेल्दी रखे ग्लो रखे आपके एक्ने को कंट्रोल करे और कम करे धीरे धीरे तो ये वीडियो आप लोग के लिए है सो so, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा वो क्लिक करके ग्रे कर दो और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर हेयर केयर एंड सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए भूलिएट स्टार्ट अवर वीडियो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्ने प्रोन स्किन केयर की ठीक है जी सो so, मैं ना बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से जो की मैं इस विंटर में करती हूँ लाइक समटाइम ऐसा होता है मुझे मुंह धोने का ना आलस चढ़ता है तो आप लोगों को भी होता होगा राइट सो so, मैं ये यूज कर रही हूं लैकमे का क्लिंजिंग मिल्क ये है डीप क्लिंजिंग ठीक है मैंने मुंह नहीं धोया है नाइट टाइम है ओके तो मैं अपना पूरा स्किन केयर नाइट टाइम का आप लोग दिखा रही हूं सो so, मैं क्या करती हूँ अपने हाथ में ले लेती हूँ प्रोडक्ट ठीक है और मैं मसाज करती हूं लाइक दिस ओके पूरा आपको लाइव ही मैं दिखाने वाली हूं ठीक है अब क्या करना है आपने कॉटन लो थोड़ी सी और रिमूव कर दो मैंने कोई मेकअप किया नहीं हुआ था बट फिर भी अगर आप स्किन केयर करने वाले हो, तो अपना फेस क्लीन करना बहुत जरूरी है मैं ज्यादा ना ठंड में नाइट टाइम में यही करती हूं मैं ठंडा पानी मुंह पे नहीं लगाती हूं और ज्यादातर मैं इसी तरीके से अपना फेस साफ कर लेती हूं जिससे बहुत अच्छे से ना डर्ट सारी निकल जाती है अब आप ये देखो देखा आपने देखा पूरी डर्ट बाहर आ गई सेकंड्स में राइट अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं क्या यूज करती हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी जितने प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूं वो सभी मैंने अमेजोन से बाय किए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा सेल भी चल रही है अमेजॉन रिपब्लिक सेल जो है लाइव है आप चेक करना बहुत अमेजिंग आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ ये पोर्स एंड मार्क्स का सॉरी नेचर श्योर का है ये पोर्स एंड मार्क्स ऑयल है ये फेशियल ऑयल है इसके अंदर है माचा टी फ्रेंड्स जो कि एंटी से भरपूर होता है मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके बैक्टीरिया को जो जिससे आपको पिंपल्स हो रहे हैं उससे फाइट करता है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर करता है और साथ में एक्ट करता है एज अ ये सनस्क्रीन भी ठीक है सो so, मैं ये प्रोडक्ट सर्दियों में यूज करती हूँ क्योंकि ये फेशियल ऑयल है फ्रेंड्स गर्मियों में हम लोग यूज करेंगे तो पिंपल्स हो जाते हैं मैंने ट्राई किया इसको गर्मियों में भी यूज करने का तो बट सर्दियों में दिस वर्क्स रियली रियली अमेजिंग आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है नॉन स्टिकी है नॉन स्टिकी भी है भारीपन नहीं आता है बिल्कुल भी ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया है इस पर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है लिंक आप लोग चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है जरूर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स नेक्स्ट सी आप अगर एक्नेस एंड पिंपल्स आते हैं ना जब तो स्किन थोड़ी डल भी हो जाती है राइट तो उसके लिए क्या यूज कर रही हूं मैं ये ये सच में बहुत अच्छा है ठीक है मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ठीक है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बताए तो कोई प्रमोशन नहीं है किसी ब्रांड की ये है वाव की तरफ से वाइटमिन सी फेस सीरम एंड दिस इज द ट्वेंटी परसेंट मैं आपको दिखा नहीं सकती ऑलमोस्ट ना खत्म होने वाली है ये ब्लैक कलर की बॉटल है इसलिए ठीक है आपने थोड़ा सा लिया एंड गो ठीक है बस आपने इस तरह से लगा लिया ठीक है हमेशा आप सीरम लगा रहे हो बहुत ज्यादा नहीं लगा लेना ये सोच के अच्छा इफेक्ट आएगा ज्यादा लगा लिया तू ठीक है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है अब फ्रेंड्स बारी आती है मतलब आपने फेशियल ऑयल लगा लिया सीरम लगा लिया अब इसको लॉक भी तो करना है वो किससे होगा ऑब्वियसली नाइट क्रीम लगाओगे या मॉइस्चराइजर लगाओगे

क्लियर स्किन बाहर आती है बीबी सॉफ्ट स्किन बाहर आती है और आपके जितने एक्ने के मार्क्स वगैरह होते हैं ना वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो एक तरह से ये आपके सेल्स को रिपेयर भी करता है और डैमेज स्किन को बाहर लेकर आता है मतलब रिमूव करता है तो आपको क्लियर एंड ब्राइट स्किन मिलने में गायकोलिक एसिड बहुत है ज़्यादा हेल्प करता है और ये मुझे अच्छा लगा मतलब लॉरियो पैरस का काफ़ी अच्छा है रिजल्ट भी मुझे अच्छे लगे काफ़ी ब्राइट ग्लो करते हैं डेड स्किन सेल जल्दी जल्दी रिमूव होती है फ्रेंड्स अच्छा लगा मुझे ठीक है डेफिनेटली आप ये छोटा पैक पहले ट्राई कर सकते हो जो मैंने ट्राई किया है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने अमेजोन से ये भी बाय किया था अच्छा ऑफर भी मिलेगा आपको ठीक है जी अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं जिसकी बात कर रही हूं ना ये है मेडिकेटेड ये मैं एवरी सिंगल डे अब यूज नहीं कर रही हूं ये है टेटनॉइड ये है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव परसेंट ठीक है फ्रेंड्स ये अभी यूज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने स्किन केयर कर लिया है मैं वीक में इसको फोर टाइम्स यूज कर रही हूं जब मुझे ज्यादा पिंपल्स होते हैं तो मैं फाइव टाइम्स भी कर लेती हूँ बट एट प्रेजेंट नहीं है ऑलमोस्ट ना के बराबर है तो मैं इसको बहुत कम यूज कर रही हूं अब पर मैं इसको काफी यूज मैंने किया है अगर आप मेरे चैनल में अगर मुझे जानते होगे तो इसी ने मेरे पिंपल्स और स्किन ठीक किए ये है टेटनोइड 0.25 पॉइंट टू फाइव परसेंट रेचीनो ए ब्रांड का दिस इज कंप्लीटली मेडिकेटेड अगर आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो मेरा चैनल प्लीज चेकआउट कीजिएगा हर हाँ एक डिटेल मैंने बताई हुई है इसको कैसे यूज करना है क्या तरीके हैं क्योंकि ये एक दवाई भी है और गलत तरीके से यूज किया तो ये नुकसानदायक भी है साफ सी बात बता रही हूं बट स्टेरॉइड नहीं है इसको यूज करने का एक वे है तरीका है अगर मैं इस वीडियो में ये कवर करूंगी कैसे यूज करना है इसको टॉपिक से अलग हो जाऊंगी और साथ ही में फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी होगी आप इसमें बंद कर दोगे बोर हो जाओगे इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक डाल दूंगी कैसे यूज करना है क्या प्रोसीजर्स है ठीक है बट दिस इज वेरी 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 गुड इफ यू हैव पिंपल्स एंड एक्ने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स अमेजिंग प्रोडक्ट मेडिकेटेड है ये भी आपको एमेजोन पे ईजिली मिलेगा ठीक है जी सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय